अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। भाई ऐसी देशभक्ति वाली एनर्जी आने वाली आज आप सभी के दिल में जब इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच खेला जाएगा। और एक खैर वो तो मैच की बात आगे करेंगे, जो प्रेडिक्शन होंगे उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पराडा का चश्मा लगाया है तो कम से कम 30,000 लाइक तो आने चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भाई फैंटेसी में हमारा कल जो है ना थोड़ा वो गया है, मतलब मैच ना थोड़ा खराब गया है फैंटेसी में। ईमानदार आदमी है, पंडित आदमी, ईमानदारी से बोल रहे हैं, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। हफ्ते में 7 के 7 दिन आप नहीं जीत सकते, 5-6 दिन ही जीतो। अगर रोज़ जीतोगे तो भगवान बन जाओगे, भगवान बनने कोशिश मत करना, पड़ेगा कंटा आप एक खींच के। तो ठीक है, खैर उस चीज़ का तो इसीलिए जब लॉस हो गया ना तो मैंने सोचा अनुराग चलो नहा लेते, तो नहा धो के चमचमाती जैकेट वैकेट पहन के पूरा शो ऑफ करने आ गया तुम्हारा भाई। अब उतार देते हैं भाई जैकेट, क्योंकि इससे बड़ी गर्मी लग रही। साला एसी नहीं चालू कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते टाइम पे भू भू हवा आएगी, आवाज़ आएगी। चलो भैया जय राम जी की। हाँ तो बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच की, बताएंगे आपको कि कौन कौन से प्लेयर आज परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, किसको आपको अपनी टीम में कब रखना है, कब ड्रॉप करना है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अभी से एक एक लाइक कर दो वीडियो पर और एक एक कॉमेंट कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, सबका एक लाइक एक कॉमेंट होना चाहिए, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो कॉमेंट कर दो। अभी अगर तुम वॉशरूम में बैठे हो, अगर गीली हो रही है, सूखी हो रही, जो मन आ रहा है वो लिखो। किसी दोस्त को घर आना है, किसी को भड़ास निकालनी है, किसी लड़की को प्रपोज करना है, इसका नाम लिख के वो लिख दो। एक सेकंड, जो भी लिखना है लिख दो, लेकिन एक लाइक और एक कमेंट तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम छोटे भाई के लिए सपोर्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। बाकी और क्या बात करनी थी, बाकी हाँ गिव अवे आज वाली वीडियो में भी है, देखते हैं कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कोई बंदा विनर बना या नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और जैसा तुम लोग आजकल वीडियो पूरा देख रहे हो, टाइम दे रहे हो, ये बात बड़ी अच्छी, वो कौन सी मीम है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, तो ये बहुत अच्छी आदत लग रही है आप लोग को। ऐसे ही पूरा वीडियो देखो, क्या है मैच तो 10 में से 1 आध मैच आपके खराब हो सकते हैं, मगर जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो आपको सीख मिलेगी हमारी वीडियो से, वो आपको एक नहीं हज़ारों मैचेस में मदद करने वाली है, ठीक है। तो जसकरण भाई तुम एक काम करो, इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा, ये लोग लाइक कमेंट सब कर देंगे, बड़े समझदार हो गए, आदत पड़ गई इनकी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं लोग बढ़िया होगा, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई आज खेलेगा इंडिया और पाकिस्तान का ये एशिया कप का सुपर फोर का मैच, और ये होगा कोलंबो में। देखो कोलंबो की पिच के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो हम आपको पिक्स बताने वाले हैं आज की मैच की, किसको कब रखना है, कब ड्रॉप करना है, और जो मेरे आज के प्रेडिक्शंस होने वाले हैं, मैं अभी से बोल रहा हूं, मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं आग लगाने वाले हैं। बड़ा मैच है, और जो मैं भाई बड़े मैच का खिलाड़ी हूं, तो भाई बड़ा मैच है और आज मेरा मैच है, तो जैसा जैसा तुम्हारा भाई बोलेगा बस मानते जाना, और देखना आपकी रैंक ग्रैंडली में कितनी अच्छी आती है, और स्मॉलली में तो क्लीन स्वीप करोगे, दावा है मेरा, ठीक है। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे, पिच के बारे में, प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सभी चीज़ों से पहले भाइयों, तुम लोग को क्या दिक्कत है, मतलब हमें भी पाकिस्तान जाके हैंडपम्प उखाड़ना पड़ेगा क्या, तब जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे? अरे भाई ज्वाइन करो, 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों का अपना परिवार है, आप लोगों के सपोर्ट प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, आप भी जाके जुड़ो। फ्री में पूरी सर्विस मिलती है, फ्री में आपको टीम मिलती है, फ्री में सारे प्रेडिक्शन मिलते हैं, और आजकल तो तुम्हारा भाई ये भी बताने में एक्सपर्ट हो गया ना कौन सी टीम मैच जीतेगी। इंडिया आज वाले मैच को बताऊं? अभी नहीं, आगे बताऊंगा, सरप्राइज, हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, यहाँ पर आपको ढेर सारे फैंटेसी के ऑफर्स, मेरी जितनी भी फैंटेसी की टीम्स होती हैं, जितने भी मैचेस में खेलता हूँ, सभी की टीम आपको फ्री मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बकचोदी करते हैं, पूरे बकचोद हैं, पैदा ही वो बकचोद हुए थे, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। अगर लिंक ना भी काम करे तो लिंक पर क्लिक कर देना, एक काम करना, तो फिर सर्च करना टेलीग्राम पर अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा यूज़र नेम या हमारा यूज़र नेम भी डाल सकते हो, इधर कहीं लिखा होगा अनुराग एक्स क्रिकेट, नहीं तो अनुराग द्विवेदी भी सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, 12 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े, असली चैनल ज्वाइन करना, नकली चैनल ज्वाइन कर लोगे तो भाई चड्डी वड्डी वड्डी भी उतार लेंगे, ऐसा लूट लेंगे लोग तुमको, ठीक है। सब पैसे मांगते रहते हैं ना मेरे नाम से फेक चैनल बना के, मैं किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेता, सीधी सी बात है, तुम लोग के प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं ऑलरेडी इस लेवल पर हूँ कि अच्छा खासा कमा रहा हूँ, दाल रोटी भिंडी खा लेता हूँ, ठीक है। चलो बाकी हर एक बात गिव अवे की, भाई कल की वीडियो में भी गिव अवे का कोई विनर नहीं बना, ये जानकर मैं बहुत ही वो हूँ, इसलिए आज मैंने गिव अवे के सवाल बदल दिए हैं, कुछ अलग से यूनिक सवाल पूछूंगा ताकि कुछ लोग विनर बने, क्योंकि भाई हम तो अपना बजट लेके चल रही है ना कि कितने लाख का बजट है हमारा, इतने पैसे हम बर्बाद करेंगे, हैं
समझ रहे हो ना, इतने पैसे हम खर्च करेंगे, इतने पैसों में हम लोगों को कुछ वो देंगे कि लोग जिंदगी भर वो मोमेंट याद रखें। तो भाई हमें तो, हम तो चाहते हैं आप विनर बनो, तो आज हम इसीलिए सवाल बदल रहे हैं गिवअवे का। जो भी सवाल है आपको आगे वीडियो में कहीं पर भी मैं पूछ सकता हूँ, तीन सवाल पूछूंगा, तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट करके आंसर करना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो आप वर्ल्ड कप में, आपको वर्ल्ड कप का आपको एक मैच में दिखाऊंगा, ठीक है, और आपकी होटल, आपकी फ्लाइट की टिकट, सारा सारा कुछ झंझट मेरी तरफ से, टेंशन ना लो। और हाँ भाई, बड़ा मैच है, फ्री में अगर 1,00,000 रुपये चाहिए आज, तो भाई ये जो पोस्टर आप देख रहे हो, ये हाँ ये पोस्टर एकदम रियल है, ये पोस्टर है विजन 11 का। आज विजन 11 पर 1,00,000 रुपये का फ्री गिवअवे कॉन्टेस्ट लाइव है, वहाँ पर आप 1,00,000 रुपये फ्री में जीत सकते हो। और जो भी मेरे भाई बंधु हार हार कर फैंटेसी में परेशान है, ठीक है, तो वो लोग एक काम करें, जाके अभी कभी विजन 11 आप डाउनलोड कर ले, बाद में थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वहाँ पर आप लॉस में नहीं रहोगे, कमीशन बहुत कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, ठीक है। और हमारे तो, हमारी ज़िंदगी बदली है विजन 11 की वजह से, वरना हम भी लुट रहे होते रिम ग्रीम 11 पर, समझ रहे हो। तो जाओ जाके विजन 11 की ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में, और रेफर कोड में अपने भाई का नाम लिख देना, स्पेलिंग तो पता ही होगी, अनुराग द्विवेदी की स्पेलिंग जिसको नहीं पता वो बंदा छोड़ो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जाके वहाँ जब जाना, साइनअप करना, तो रेफर कोड अनुराग जरूर यूज़ करना, ताकि 500 रुपये का आपको बोनस मिले। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बात करें दोस्तों टीम न्यूज़ की। देखो आज का जो मैच है ना, ये पिछला मैच जो इंडिया पाकिस्तान का खेला गया ड्रॉ हो गया, हमारे बहुत सारे प्लान थे, हम व्लॉग बना रहे थे, सब चौपट हो गया। और आज भी एक बैड न्यूज़ ये है कि भाई बारिश के चांसेस आज भी हैं। कल यार इंडिया, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश वाले में तो बारिश नहीं हुई, अगर आज हो गई तो हम लोग समझेंगे हमारी साली किस्मती फुद्दू है कि एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक अलग ही एंटरटेनमेंट है ना, वो तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बारिश के चांसेस ज़्यादा हैं, और अभी से एडवांस में एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर बारिश होती मैच छोटा होता है तो जो टीम सेकेंड इनिंग बैटिंग करेगी, फिर चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान, वो टीम मैच जीतेगी। और अगर पूरे ओवर का मैच होता है तो फिर भाई साहब इंडिया का पल्ला बहुत भारी रहने वाला है, इंडिया चेस भी कर सकती है, इंडिया डिफेंड भी कर सकती है, ठीक है। बाकी हाँ, टीम न्यूज़ की बात करें तो केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है और इस मैच के लिए अवेलेबल है। अब देखते हैं राहुल को मौका मिलता है ईशान किशन की जगह पर या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। तुम केएल राहुल की वजह से, जो जिसका फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है, तुम अपने इन फॉर्म बल्लेबाज को मतलब अब ड्रॉप कर दो, ये भाई ये तो नहीं सहा जाएगा। अगर ऐसा डिसीजन अगर इंडिया ने ले लिया ना, तो कसम से जो ट्वीट करूंगा मैं कि मतलब हंगामा मचा दूंगा, तो वो चीज़ ना हो तो अच्छे। हाँ, बुमराह की वापसी हो सकती है, जसप्रीत बुमराह तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में आएंगे, और उनको भी बेटी हुई बेटा, वो मुझे ये चीज़ तो नहीं मैं श्योर हूँ, मगर भी एक बेबी हुआ है, तो ऑल द बेस्ट, आई होप कि कुछ लकी चार्म, कुछ लक उनके साथ हो, और अपने बच्चे को डेडिकेट करें, 4-5 विकेट लें और इंडिया को मैच जिताएं, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो देखो फ़खर जमान, हाँ पाकिस्तान की पहले हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो फ़खर जमान और इमाम उल हक ये ओपन करेंगे, इमाम की जगह किमाम नाम रख लेते हैं, किमाम नाम रख लेते कितना अच्छा लगता। खैर छोड़ो, नाम तो खैर अपने इंडिया में भी लोगों के होते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं। बाकी हाँ, फ़खर ये नाम देखो कितना अच्छा, फ़खर जमान, फ़खर फक फक फ़खर जमान, ये नाम बढ़िया मुझे लगता है। 21 बंदे ने मेरे दोस्त को ग्रैंडली जिताई थी, और वो बंदा कंफ्यूज था, अनुराग किसको कैप्टन करें, मैं टीम बना रहा, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो उसने वो कंफ्यूज था, उसने क्या किया, इसका नाम अच्छा लग रहा फक फक फकर, उसने उसको कैप्टन कर दिया। PSL का एक मैच था, लाहौर के लिए खेलता था ये, और उस बंदे ने उसको ग्रैंडली जिता दी थी, बहुत सही प्लेयर है। बाकी बाबर आजम उसके बाद है, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, अब लो सलमान आगा की जगह पर सलमान आधा लिख देते तो शायद बॉलीवुड से थोड़ा फेम मिल जाता। उसके बाद इफ्तिकार अहमद है, शदाब खान है, फहीम अशरफ है, हरीश रौफ है, नसीम शाह, शाहिन अफरीदी हैं, ये होने वाली प्लेइंग 11 पाकिस्तान की, क्योंकि जो कि कन्फर्म इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। और उसके बाद इंडिया के अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो भाई देखो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, 3 नंबर पर आएगा अपना किंग कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, 5 नंबर पर भाई ईशान किशन या केएल राहुल में से कोई एक, मेरे ख्याल से ईशान किशन को ही खेलना चाहिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, मेरे ख्याल से इस मैच में ना कोलंबो के पिच पर मैच है, हो सकता है कि अक्षर पटेल को भी चांस मिल सकता है, अब देखते हैं सिराज की जगह पर मिलता है शार्दुल ठाकुर की जगह पर। मेरे ख्याल से देखो सीधी सी बात है, बैटिंग में अगर आपको डेप्थ चाहिए तो आप शार्दुल ठाकुर को लाइनअप में जरूर रखो, सिराज की, लेकिन सिराज भी यार विकेट बहुत ले रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखते हैं टीम इंडिया क्या डिसीजन लेती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से मैच अगर शाहिन अफरीदी का वो इस पर ला गया 2-3 विकेट वाला पावर प्ले में, तो भाई बहुत खतरा हो जाएगा, तो आपको बैटिंग में डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, तो शार्दुल ठाकुर का टीम में रहना बहुत जरूरी है। तो ये होगी भाई प्लेइंग 11 इंडिया की। आगे बात करें पिच के बारे में, लेकिन पिच के बारे में बात करने से पहले आप सभी लोगों को भाई बता देना चाहता हूँ पूर्वों के बारे में, बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं भी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्वों का ऐप डाउनलोड नहीं किया, जिनको पूर्वों के बारे में पता ही नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई फैंटेसी से ज़्यादा आसान है पैसा कमाना प्रोवो पर, क्योंकि फैंटेसी में आपको 11 लोग की टीम बनानी पड़ती है, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना पड़ता है, लेकिन प्रोवो पर ऐसा नहीं है।
प्रोमो पर सिंपल है, आप अपने पहले अपने एक कैटेगरी चूज करो जिस कैटेगरी का आपको नॉलेज है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, एंटरटेनमेंट हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। मैं मुझे तो भाई क्रिकेट में इंटरेस्ट है, बाकी किसी चीज़ में नहीं, तो मैंने क्रिकेट कैटेगरी चूज़ कर ली। अब वहाँ पर चल रहे सवालों के आप जवाब दो यस या नो करके, अगर आपके जवाब सही होते हैं वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के आज कुछ सवाल हैं जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, तो उनके पास आपको यस या नो में जवाब देने और आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो। तो जाओ जाके प्रोमो का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट करो। एक बार खेलना चालू कर दोगे ऐसी लत लगेगी भूल नहीं पाओगे, और आपको सच में फील आएगा कि फैंटेसी से कहीं ज़्यादा आसान है यहाँ पर पैसा कमाना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके क्लिक करो, डाउनलोड करो। मेरे लिंक से जाओगे तो कुछ रुपये का आपको बोनस मिलेगा, और पूरा बोनस आप यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा चमन प्राथ छा के आए, आज अलग ही एनर्जी आ रही है। उसके बाद पिछली रिपोर्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो भाई हाँ पिच है भाई इस प्रेम दशा स्टेडियम, एक तो होती है दुर्दशा और एक स्टेडियम का नाम है प्रेम दशा, कितना बढ़िया नाम है। तो भाई प्रेम दशा स्टेडियम कोलंबो में मैच है, बैटिंग के लिए डिसेंट सर्फेस बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर पिच सेकेंड इनिंग में स्लो हो जाती है, ठीक है। और पिछले जो 10 वनडे मैच यहाँ पर खेले गए एवरेज स्कोर 252 का रहा है, और यहाँ पर हमेशा स्पिनर्स को हेल्प मिली है, क्यों मिली है बताता हूँ। पिच सेकेंड इनिंग में पिच स्लो हो जाती है तो स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ ओवरकास्ट कंडीशन से बारिश के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा मूवमेंट आप फास्ट बॉलर से आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पिछले जो 5 वनडे मैच यहाँ पर खेले गए उसमें 48 विकेट लिए हैं भाई साहब स्पिनर्स ने, और 29 विकेट लिए हैं 29 लिए हैं पेसर्स ने। बाकी पिच वही मैंने लिख दी, वही तो पहले लिख दिया, ठीक है। और हाँ जो अब भाई बारिश के चांसेस हैं, तो भाई जो भी टीम मतलब टॉस जीतेगी मेरे ख्याल से बॉलिंग का ही फैसला लेगी, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ भाई साहब पाकिस्तान टॉस जीत जाए और इंडिया पहले बैटिंग करे, विराट कोहली मारे 150 रन कौन फाड़ दे एकदम हरी साहब, ठीक है। उसके बाद आराम से 250-260 रन का टारगेट हम उम्मीद कर सकते हैं, इस मैच में स्कोर लग सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की, 133 मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेले गए, इंडिया ने जीते 55, पाकिस्तान ने जीते 73। अरे वो पहले पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, वगैरह 19 बहुत तगड़ी टीम थी, तब के रिकॉर्ड बड़े, अब तो इंडिया ही जीतती है मोस्टली। तो इंडिया पाकिस्तान को बता दिया, बाकी 5 मैच ऐसे भी रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो प्लेयर्स के स्टैट्स पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गिवअवे का पहला सवाल पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा अलग सवाल पूछने वाला हूँ। भाई गिवअवे का जो हमारा पहला सवाल है आज की वीडियो का, वो ये है, आज के मैच में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलेगा। डॉट बॉल समझ रहे हो, मतलब कि जो बॉल काउंट हो रही है उसमें कोई रन नहीं आ रहा, तो कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलेगा आज के मैच में, ये आपको गेस करना है। उस खिलाड़ी का आपको नाम लिखना है, तुक्का मारो, तुक्का मार के ही लोग जीतते हैं, और आप भी तुक्का मारो, ठीक है। कमेंट ही तो करना है, एक प्लेयर का नाम लिखना है जो भी आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलेगा, तो कमेंट करो। और हाँ याद रखना, कमेंट में सिर्फ उस प्लेयर का नाम होना चाहिए और प्लेयर के नाम की स्पेलिंग अच्छी मतलब सही होनी चाहिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। और 3 सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, तीनों सवालों का जवाब आपको एक ही कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, तो वो कर दो आगे। अभी ये इसका जवाब लिख लो, आगे 2 सवाल और पूछूंगा। और शर्त भी याद रख लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, वरना पैसा नहीं मिलने वाला। अगर हम तुमको कुछ दे रहे हैं, तुमसे कुछ लेंगे भी, तो ऐसे थोड़ी ना, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बचती है, बरबो, ठीक है। तो चलो आगे चलते, बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की। भाई देखो रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा का ओडीआई में एवरेज है 49 का है, ठीक है। और अगर बात करें पाकिस्तान के सामने, वहाँ पर ही 49 का है, तो कि ठीक है। शुभमन गिल का एवरेज ओडीआई में 63 का है, बाकी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ही है। उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान के सामने, एक मैच खेला 10 रन मारे हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के सामने, अरे मत ही बात करो, 45 के एवरेज है, और ओवरऑल ओडीआई में भी 57 के एवरेज है। हाँ विराट कोहली ने इस ग्राउंड पर 8 मैच में 520 रन 19 रन बनाए, और इस ग्राउंड पर विराट कोहली का जो एवरेज है 103 का है, बस भैया इतने ही बना देना कम से कम तुम, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें, तो श्रेयस अय्यर भाई साहब 44 मैच में वनडे में 46 के एवरेज से 1645 रन बना चुके हैं, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। पाकिस्तान के सामने कुछ उतना है नहीं, और रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ अच्छा है नहीं। ईशान किशन का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, और ओवरऑल ओडीआई में भी एवरेज अच्छा है, 49 का है। और पाकिस्तान के सामने एक मैच खेला था लास्ट वाला, 82 बन मारे थे, बहुत मुश्किल परिस्थिति में थी टीम इंडिया, तब वहाँ से इंडिया को उस कठिन समय से बाहर निकाला था, ठीक है। क्या हिंदी बोलता हूँ मैं, प्रॉपर इंडियन। उसके बाद हार्दिक पांड्या की दोस्तों अगर हम बात करें, तो हार्दिक पांड्या का ओवरऑल जो एवरेज था 34 का है, और पाकिस्तान के सामने भी एवरेज 70 का एवरेज है, 3 विकेट भी ले चुका है, तो ये तो भाई बढ़िया है। वहाँ ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद जड्डू की बात करें, जड्डू ने 10 मैच में 13 विकेट लिए हैं, पाकिस्तान के सामने 130 रन भी मारे हैं, ओवरऑल नंबर्स ओडीआई के अच्छे हैं ही। कुलदीप यादव ने 86 मैच में वनडे में 140 विकेट लिए हुए हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के सामने 3 मैच में 5 विकेट हैं, और ग्राउंड पर भी 4 मैच में 5 विकेट हैं। बुमराह की बात करें, 73 मैच में 121 विकेट है, जो कि बढ़िया है, और ग्राउंड पर भी 2 मैच में 4 विकेट है, जो कि अच्छे हैं, ठीक है। मोहम्मद सिराज की बात करें, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 26 मैच में 46 विकेट ओवरऑल ओडीआई में ले चुका है।
ये तो होगी हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स की स्टैट्स की बात। अब चलते हैं बात करते हैं पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके क्या स्टैट्स हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले गियोवे का दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। तो दूसरा जो सवाल हमारा गियोवे का वो ये है कि आज के मैच में कौन सा बॉलर सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खिलाएगा, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल कौन सा बॉलर फेंकेगा, उस खिलाड़ी का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो दो सवाल पूछ चुका हूँ, पहला सवाल आपसे पहले पूछा, दूसरा सवाल ये पूछा। इन दोनों सवालों का जवाब आप गेस करो, कॉमेंट करो, कॉमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और तुक्का मारो, लोग तुक्का मार कर जीतते हैं, मारा करो तुक्का, कभी कभी लग जाता है हमारे ग्रैंडली में, तो रोज तुम 50 रुपये लगाए थे 2 करोड़ के सपने देख के, यहाँ पर तुक्का मारो ना, फ्री में तुमको वर्ल्ड कप की टिकट मिल जाएगी, फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, होटल में रहने का मिल जाएगा 5 स्टार में, तो कर लो, ठीक है। तुक्का मारो, दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लो, आगे मैं तीसरा सवाल भी कभी पूछ सकता हूँ, उसका जवाब भी लिख लेना। और पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना प्राइज़ नहीं मिलेगा, कितना गोरा लग रहा हूँ मैं आज। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की। तो भाई देखो, फ़खर ज़मान की एवरेज जो ओवरऑल वनडे में बढ़िया है, 46 के एवरेज है, इंडिया के सामने भी अच्छा है 52। ये वही फ़खर ज़मान है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मारा था, नो बॉल पे आउट हो गया था, उसके बाद क्या पेला था, इंडिया हार गई थी, वो मैच तो बहुत दर्द होता है भाई। लेकिन उस मैच में भाई हार्दिक पांड्या ने मुझे पैसे जिता दिए थे, इस बात की बस खुशी है, ठीक है। पागल हो गया था हार्दिक पांड्या उस मैच में, माता आ गई थी उसके ऊपर। तो आगे बात करें इमाम उलक की, अच्छे नंबर से इमाम उलक बढ़िया प्लेयर है, 51 के एवरेज है और लास्ट मैच में 78 मारे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के सामने कुछ उतना अभी तक खास अच्छा किया नहीं, और भाई करना भी मत प्लीज़, आज मत करना, बड़ी उम्मीद है मुझे अपनी टीम से। बाबर आजम के नंबर से अगर देखें तो वनडे में 59 के एवरेज है और रिसेंट फॉर्म ठीक है, अच्छा है। और उसके बाद इंडिया के सामने 32 का एवरेज है। रिजवान का इंडिया के सामने 35 के एवरेज है, ODI में ओवरऑल देखें तो 36 के एवरेज है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। सलमान आगा, इससे भी नया प्लेयर क्या ही बात करें, हाँ इफ्तिकार अहमद भाई, जब पाकिस्तान की टीम फंसती है ये खिलाड़ी हमेशा खड़ा होता है, चाचा बोलते हैं इसको, इसकी उम्र दिखा रखी बहुत कम और है बुढ़ा, चाचा बोलते हैं इसको सब पाकिस्तान में। तो 50 के एवरेज है इसका ओवरऑल वनडे में, ठीक है, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। शदाब खान बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। शाहीन अफरीदी, इनके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, सबसे मनहूस शकल अगर मुझे किसी की लगती है ना इस दुनिया में, इस बंदे की लगती है ऐसे, इसका तो वो इसका स्पेल निकल जाए बस। उसके बाद हरीश रौफ 27 मैच में 53, भाई साहब ईशान किशन का विकेट लेके बड़ा जोश दिखाया था ना लास्ट मैच में, विराट कोहली देख रहा था इसको, आज इसको विराट कोहली, आज नहीं चलने वाला हरीश रौफ का कोई खौफ, आज विराट कोहली पेलेगा इसको, आओ बेटा तुम। उसके बाद एक मैच खेला हरीश रौफ ने वनडे में इंडिया के सामने, 3 विकेट लिए थे, लवई लास्ट मैच वाला, ठीक है। नसीम शाह का भी अच्छा है, 1 मैच में 3 विकेट हैं। बात करें दोस्तों अगर हम अब फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की, किसको कब अपनी टीम में रखना है, कब ड्रॉप करना है, पूरा ज्ञान ले लो। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर अपनी आप फैंटेसी क्रिकेट में अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, जैसे हम लोग स्मॉल लीग खेलते हैं, हम 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेलते हैं, और हमारा वो रोज का है कि हमें पैसा कमाना है, हम एंटरटेनमेंट के लिए या लॉटरी के लिए किस्मत आजमाने के लिए नहीं खेलते हैं, हम स्मॉल लीग खेलते हैं धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं वो लोग विजन 11 पर ही खेलें, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ कमीशन बहुत कम है वहाँ पर आपसे एंट्री फीस बहुत कम ली जाती है। खुद अपनी आंखों से खेलो, पानी फेंक के मारो कि कोई इन लोग के मुंह पर, जागो ग्राहक जागो करो और ये देखो अपने आंखों के सामने यहाँ पर आपसे कितना कम कमीशन लिया जाता है, कितनी कम एंट्री फीस ली जाती है, यहाँ पर आपको अगर जीतोगे तो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा, वहीं अगर इदिम ग्रीम इलेवन पर खेलोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो भाई, पाई पाई की कीमत होती है, एक है ना, तो कर लो एक पाई, वो भी तो था मैथ में होता था पाई, क्या बोलते थे उसको, कोई वैल्यू थी, इतना पढ़ने में जो तो यहाँ बैठे होते। खैर विकेट कीपिंग से चलो कर लें डाउनलोड, और आज 1 लाख रुपये का फ्री गिवअवे कॉन्टेस्ट भी है, तो वो भी जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का और कमेंट बॉक्स में भी है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करो और रेफर कोड अनुराग यूज़ करना ताकि 500 रुपये का आपको बोनस मिले। आगे बढ़े विकेट कीपिंग सेक्शन की दोस्तों अगर हम बात करें, मोहम्मद रिजवान आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो टुक टुक करके आपको पॉइंट दे देगा, रन बना देगा। बाकी ईशान किशन और KL राहुल दोनों में से जो भी खेले अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो ट्राई कर लेना, क्योंकि बारिश का मैच है, सेकंड इनिंग में ज़्यादा भरोसा मत रखना, छोटा मैच भी हो सकता है। बल्लेबाजों की बात करें तो भाई बाबर आजम ने कोलंबो में खेला हुआ, अभी लंका प्रीमियर लीग में, तो थोड़ा फैमिलियर होगा उस कंडीशन से, तो अच्छी भी रहेगा। इंडिया के जो ओपनर हैं अच्छे टच में लगे थे, शुभमन गिल और रोहित शर्मा लास्ट मैच में, तो थोड़ा सही रहेगा, बस उनको थोड़ा पाकिस्तान का जो वो है ना क्या नाम है उसका, शाहीन अफरीदी, उससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और नसीम साहब भी पावर प्ले में नई बॉल से, उसके बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे, दोनों को रख सकते हो, ठीक है। और शुभमन गिल ने अपना बर्थडे भी कल मनाया है, तो हो सकता है आज हम लोग को पार्टी दे दे, वैसे हमारा भी बर्थडे आने वाला, हम भी पार्टी देने वाले हैं, कुछ बड़ी बहुत बड़ी पार्टी आप सबको अनाउंस करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली मस्ट पिक तो रहेगा, पाकिस्तान के सामने मैच है, विराट कोहली को ना लो ऐसा हो नहीं सकता। फ़खर ज़मान इमाम उलक भी डिसेंट ऑप्शन है, ठीक है। और भाई देखो ये दोनों लेफ्टी हैं, पाकिस्तान के दोनों ओपनर लेफ्टी प्लेयर हैं, और मोहम्मद सिराज को लेफ्टी प्लेयर को बॉलिंग करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, तो मुझे लग रहा है एक विकेट तो दोनों में से किसी का ले ही लेगा मोहम्मद सिराज, ठीक है। ऑलराउंडर्स की बात करें देखो जड्डू तो और हार्दिक पांड्या, ये तो भाई दोनों ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेंगे, इन दोनों को तो टीम में रखना, ठीक है। और इंडिया
स्पिन जो है अच्छा खेल लेती है, लेकिन अगर आप कंडीशंस देखो उस हिसाब से यहाँ पर जैसे स्पिनर्स को विकेट मिलते हैं तो शादाब खान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में तो, ठीक है ये चीज़। और अगर केएल राहुल खेलता है ईशान किशन की जगह पर तो इंडिया के पास भाई साहब जो है सारे सारे वो राइटी प्लेयर हो जाएंगे, तब तो भाई शादाब खान को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अरे नहीं भी, अगर राहुल खेलता है ईशान किशन ही खेलता है तब भी शादाब खान इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बैटिंग से भी पॉइंट दे देता है ना। बाकी पेसर्स की अगर बात करें बॉलर्स बॉलिंग सेक्शन में तो भाई पाकिस्तान के जो तीनों पेसर रौफ, नसीम शाह, साहिन अफरीदी तीनों फॉर्म में, तो तीनों अच्छे पिक रहेंगे। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे तो तीन में से दो तो ले ही लेना। बाकी हाँ, साहिन अफरीदी बहुत बड़ी थ्रेट रहेगा इंडिया के टॉप ऑर्डर के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया के टॉप ऑर्डर बहुत सोच समझ कर खेलेगा। बाकी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हरीश रौफ ये तीन गेंदबाज ऐसे हैं जो फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद बाबा ये तो होगी भाई बात उसकी, हाँ जसप्रीत और ये बाबर आजम, फखर जमान, ये दोनों जो है ना ये कुलदीप यादव के सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो भाई सेकेंड इनिंग में अगर कुलदीप यादव बॉलिंग कराए, इंडिया अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराए तो कुलदीप यादव आपके लिए ट्रम्प हो सकता है, लोग शायद उसको पिक ना करें। और क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी फुद्दू है, मैं बताऊँ पाकिस्तान तो मैच खेलने से पहले ही हार गई भाई। उसने जो प्लेइंग 11 अनाउंस करी है वो चार फास्ट बॉलर के साथ खेल ली है, फहीम अशरफ को खिला रही है नवाज की जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। इंडिया वाले पेल देंगे आज इनको, रपेट रपेट के मारेंगे, यहाँ से लेकर लाहौर तक मारेंगे जाके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन की, देखो विराट कोहली, हार्दिक पांडे, बाबर आजम, रिजवान, शुभमन गिल, बुमराह, ये छह ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, इनमें से आपको जिसको रखना है कैप्टन वाइस कैप्टन रख लो। इंडिया पहले बैटिंग करती है, विराट कोहली को कैप्टन करूँगा, ठीक है, और शुभमन गिल आज मुझे अगर अच्छा करेगा तो मैं उसको भी वाइस कैप्टन रख सकता हूँ। बाकी बाबर आजम, बुमराह भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। इंडिया पहले बैटिंग करती है तो हार्दिक पांड्या को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, सेफ पिक रहेगा। चलो अब चलते हैं, देखते हैं मेरे क्या मैच के प्रेडिक्शन है इस मैच के। लेकिन अपने मैच के प्रेडिक्शन पर जाने से पहले एक बार प्रोबो में जो आज क्रिकेट के सवाल चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच के जो सवाल चल रहे हैं प्रोबो पर, उनके जरा मैं अपने प्रेडिक्शन, अपने ओपिनियन, अपने जवाब दे देता हूं। तो प्रोबो पर एक सवाल चल रहा है कि बुमराह और शाहीन में से सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा। भाई मुझे लग रहा है बुमराह, तो मैं इसमें बुमराह के ऊपर पैसे अपने इन्वेस्ट करूंगा। इंडिया आज के मैच जीतेगी पाकिस्तान के सामने, मुझे लग रहा है बिल्कुल जीतेगी, तो मैं इसमें यस करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान 25 रन मारेगी, हाँ पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो 25 रन की होगी, मुझे लग रहा नहीं होगी, एक विकेट इनका जल्दी जाएगा, तो मैं इसमें नो करूँगा। इंडिया 30 रन मारेगी 6 ओवर में पाकिस्तान के सामने, नहीं 30 रन नहीं बना पाएगी, ये लोग शुरुआत में थोड़ा सेट होंगे तो रन थोड़े कम बनेंगे, तो मुझे मैं इसमें नो करूँगा, ठीक है। तो ये तो मैंने चार सवालों के ओपिनियन अपने दे दिए, बाकी प्रोबो पर ढेर सारे सवाल लाइव हैं, आप लोग जाओ वहाँ पर अपने सवाल पढ़ो, जिस सवाल का जवाब आपको आता है या आपको कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है कि इसका जवाब मैं अच्छे से दे दूंगा, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके सिंपली यस या नो करके पैसे कमा सकते हो। तो प्रोबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड करो और 50 रुपये का आपको बोनस मिल जाएगा, पूरा बोनस यूज भी कर सकते हो, पहली बार फ्री में खेल सकते हो, तो जाकर जितना जाकर डाउनलोड कर लो, आलस मत करो, आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलो आगे बढ़े, मैच के प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, मेरे क्या मैच के प्रेडिक्शन हैं। देखो विराट कोहली, शुभमन गिल, ये दोनों खिलाड़ी इंडिया के लिए रन बनाएंगे आज, ये मेरा प्रेडिक्शन है, और ये दोनों रन बनाएंगे तो बनाएंगे, मुझे आज अपने प्रेडिक्शन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों में से कोई एक तो खिलाड़ी कैमियो खेलेगा, तगड़ी पारी खेलेगा, तेज तर्रार। बाकी बाबर आजम, रिजवान, ये दोनों खिलाड़ी रन बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। इफ्तिकार अहमद एक छोटी लेकिन अच्छी पारी पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, अगर पाकिस्तान फंसती है तो, या अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो, ठीक है। उसके बाद रविंद्र जडेजा और बुमराह, ये दोनों खिलाड़ी विकेट लेंगे इंडिया के लिए आज। बाकी कुलदीप यादव बल्क में विकेट लेगा, 3 या 4 विकेट ले सकता है अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराता है तो। शादाब खान, शाहीन अफरीदी, ये दोनों खिलाड़ी विकेट लेंगे पाकिस्तान के लिए। और आज फहीम अशरफ एकदम अनएक्सपेक्टेड स्पेल डाल सकता है, समझ रहे हो, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो। देखो क्योंकि लॉजिक बताता हूँ, इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो बाकी सब जो मेन बॉलर उनको संभाल कर खेलेंगे, टारगेट किसको करेंगे, फहीम अशरफ को, फहीम अशरफ को टारगेट करेंगे तो उसको विकेट मिलने के भी चांस हैं, हो सकता है फहीम अशरफ ही आज 3-4 विकेट लेके जाए। तो ग्रैंड लीग में फहीम अशरफ को कैप्टन किसी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। देखो जब तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तुम ये मत देखो इंडिया का प्लेयर या पाकिस्तान का प्लेयर, तुम अपने पैसे से मतलब रखो, अगर इतना अगर उससे प्यार है तो भाई इस मैच को खेलो ही मत, फिर तो पैसा ही मत इन्वेस्ट, बात जो है मुंह पे साफ बोलता हूं, ठीक है। मैं अगर तुम मुझे मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे पर भरोसा कर रहे हो, तो जो मैं तुमको राय दे रहा हूँ वो मानो, बात खत्म, ठीक है। उस दिन मैंने कॉनवे का बोला था, भाई कॉनवे आउट ऑफ फॉर्म है, लोग तुमको बोलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, मैं बोल रहा हूँ बनाओ, मारेगा बंदा, वो बंदे ने सेंचुरी मारी थी, क्यों, अच्छे प्लेयर को एक मैच लगता है फॉर्म में आने में, ये मैंने लॉजिक दिया था उसमें, तो वही लॉजिक यहाँ पर दे रहा हूँ कि क्यों उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसको टारगेट करेंगे, उसी को मारने जाएंगे तो उसी को विकेट मिलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ बाकी इंडिया ये मैच जीतेगी, ये मेरा पूरा मेरा प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये मैच जीतेगी, एक ही शर्त पर पाकिस्तान जीत सकती है, अगर मैच छूटा हो गया, पाकिस्तान अगर चेस कर रही है तो, ठीक है। तो ये हो गए भाई मेरे मैच के प्रेडिक्शंस, अब देखते हैं मेरी फैंटेसी टीम क्या है। तो फैंटेसी टीम दिखा के क्या ही फ़ायदा,
क्योंकि भाई टॉस होगा, टॉस के बाद जो लाइनअप आएगी, प्लेइंग 11 आएगी, है ना, देखेंगे कितने ओवर का मैच हो रहा है, बारिश है कि नहीं, उन सब चीज़ों के हिसाब से आपको फाइनल टीम में अपनी टेलीग्राम पर ही दे दूंगा। तो जाकर के सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो तुरंत जाओ, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अपने परिवार अपना बहुत बड़ा है, 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों का परिवार अपना, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, असली चैनल जाकर ज्वाइन करो। फ्री में टीम देता हूँ, चाहे CPL का मैच हो, चाहे एशिया कप का हो, चाहे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ODI हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वनडे हो, कोई भी हो, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, बहुत सारी लीग आ रही है, चाहे वुमेंस के मैच हो, हम सब चीज़ें भाई फ्री में देते हैं, जाके ज्वाइन कर लो। फ्री में सेवा लो, क्यों फर्जी इधर उधर पैसे के लिए वो कर रहे हो, भटक रहे हो, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया भाई मेरे आज की वीडियो का ज्ञान। अब चलो जियोगे का मैं आखिरी अपना सवाल पूछ लेता हूँ। तीसरा सवाल मेरा क्या है, तीसरा सवाल मेरा ये है कि आज इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन सा खिलाड़ी देने वाला है, ये आपको गेस करना है। कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देगा, उस खिलाड़ी का आपको नाम गेस करना है और कमेंट करना है। तो तीन सवाल मैं इस वीडियो में आपसे पूछूंगा, तीनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। एक ही कमेंट बॉक्स में तीनों सवालों का जवाब होना चाहिए, और सिर्फ खिलाड़ी का नाम लिखना और कुछ मत लिखना, बस खिलाड़ी के नाम की स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सबकी स्पेलिंग बड़ी आसान है, वरना कल तो लोग वो लिख ही नहीं पा रहे थे, मानस लबुशाने, लबुचकने, मुझे भी पढ़ने में थोड़ा कभी दिक्कत होती है, ठीक है। फेलिक वायो लोग नहीं लिख पाते हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे जो नाम बोल भी नहीं पाते हैं, हम तो कैटलिस्ट बोल भी लेते हैं। थैंक यू CMS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, इतनी तो शिक्षा दे दी। खैर चलो तो कर लो कमेंट, तुक्का मारो, तीनों सवालों का जवाब दो, पश्चात याद रखना कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राइज़ नहीं मिलेगा। प्राइज़ क्या है, वर्ल्ड कप का एक मैच दिखाऊंगा, फ्लाइट की टिकट होटल मेरी तरफ से, मैच की टिकट मेरी तरफ से, ठीक है। पूरा मतलब ऐश करना तुम उस दिन, पूरा रंगीन करा देंगे, ठीक है। तो यही है इस वीडियो में भाई, यही था। अब तो भाई हम चलते, पसीना आने लगा है, बेसी चालू करनी पड़ेगी, नहा जितना नहाया था उतना पूरी फ्रेशनेस चली गई है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाकी आपसे टेलीग्राम पर मिलते हैं टॉस के बाद, और बस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर दो। बहुत आलसी हो तुम लोग, बोला ना आलस मत करो, छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए दो चार दोस्तों के साथ, अरे रिश्तेदारों से तुमको तिनक होगी, थोड़ा सा खुन्नस होगी, तो एक काम करो, तुम रिश्तेदारों को फैंटेसी क्रिकेट खिलाओ, इस फील्ड में ले आओ, रोज 50-49 रुपये हारेंगे ना, तुमको एक अलग सुकून मिलेगा। उनको मेरी वीडियो शेयर कर दो, बोलो भाई ये वीडियो देखो, और लालच आएगा, फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी कर लेंगे वो, ठीक है, वो पैसे का लालच किसको नहीं है, तो उनसे भी बदला लो हमारी वीडियो, लेकिन हमारी वीडियो को शेयर करना हो किसी की मत करना, समझ रहे हो। तो करो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। प्रोबो और विजन 11 का ऐप डाउनलोड करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा अन्नदाता है, हमें वही हमारा अन्नदाता है, तो उनको तो रिस्पॉन्स देना, ठीक है। चलो बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।